नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श संवाद कार्यक्रम। साथियों, 1 अक्टूबर को ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5G की सर्विस लॉन्च कर दी। इसके बाद एयरटेल ने 8 शहरों में और जियो ने 4 शहरों में 5G की सर्विस शुरू कर दी। इसके बावजूद लोग परेशान है कि उनके शहर में 5G की सेवा शुरू हो चुकी है, उनका फोन भी 5G इनेबल्ड है, इसके बावजूद 5G काम नहीं कर रहा है। दरअसल आपके फोन का सॉफ्टवेयर लॉक्ड है और ये खुलेगा कैसे, इसके लिए फोन कंपनियां अपडेट जारी करेंगी और जब 5G अपडेट करने के लिए 5G की सर्विस अपडेट करने के लिए आपके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, आपके हैंडसेट पर नोटिफिकेशन आता है, इसके तुरंत बाद आप अपने फोन को अपडेट कर लें, इसके बाद आपके फोन में 5G की सर्विस शुरू हो जाएगी।